Good day, students. Today we'll read chapter number 9, The Magpie's Nest, from our English reader book. So let us start our chapter, which is given at page number 104. Long ago, when the world was very young, the birds did not know how to build nests for themselves. बहुत समय पहले, जब दुनिया बहुत young थी, means बहुत समय पहले, जो birds थे, पक्षी थे, जब वो इतना भी नहीं जानते थे कि अपने लिए नेस्ट घोंसला कैसे बनाना है. मैगपाई वॉज द ओनली बर्ड दैट न्यू हाउ टू बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग एंड गुड नेस्ट. मैगपाई केवल एक ऐसा पक्षी था जिसको ये पता था, जो ये जानता था कि एक अच्छा स्ट्रॉन्ग घोंसला कैसे बनाते हैं. हिज नेस्ट वॉज कवर्ड ऑल ओवर. उसका घोंसला पूरी तरह से ढका हुआ था. दैट यू कैन सी हियर इन द पिक्चर ऑल्सो. हियर इज अ नेस्ट विच इज लाइंग ऑन द ब्रांच ऑफ अ ट्री. There was a hole at one end to go in and out. और उस घोंसले में एक होल था, छेद था, जिसमें से अंदर जा सकते थे और बाहर आ सकते थे. The other birds talked a great deal about Magpie's wonderful little house. दूसरे पक्षी जो Magpie का जो wonderful little house था, means nest था, उसके बारे में बहुत ज़्यादा बात करते थे कि उसने कितना अच्छा nest बनाया. They all wished they might build one just like it for their little chicks. वो सभी चाहते थे कि वो भी एक ऐसा ही घोंसला बना पाएं अपने छोटे चूजों के लिए. So one day, two birds of each kind went to see Magpie. So इसलिए एक दिन दो birds, एक ही तरह के दो birds, Magpie के पास गए उसे घोंसले को देखने के लिए. They said, Sir, we have come to learn how to build nests for ourselves and our little chicks. Sir, हम आपके पास आए हैं सीखने के लिए कि हम अपने लिए और अपने छोटे चूजों के लिए घर, means घोंसला, कैसे बनाएं. We will pay you well if you will show us how. हम आपको अच्छा सा पे भी करेंगे अगर आप हमको बताओगे और दिखाओगे कि हम ऐसा कैसे कर सकते हैं. Magpie said, I shall be glad to show you how to build nests. Magpie ने कहा, मुझे खुशी होगी आपको दिखाने में कि कैसे घोंसला बनाते हैं. But you must watch everything. लेकिन तुम्हें सब कुछ अच्छे से देखना होगा. I do that, जो भी मैं करता हूँ. First I lay two sticks across each other. सबसे पहले मैं ले करता हूँ, मींस नीचे बिछा देता हूँ, दो स्टिक्स एक दूसरे को क्रॉस करती हुई एक दूसरे के ऊपर इस तरह से. टू बी श्योर, इसी बात को कंफर्म करने के लिए क्रो ने बोला, आई न्यू इट मस्ट बिगिन विद टू स्टिक्स एंड दे शुड बी क्रॉस्ड ऑफ कोर्स. क्रो ने बोला, मुझे पता था कि ये जो काम है ये शुरू होगा दो स्टिक्स के साथ और ज़रूर वो एक दूसरे को क्रॉस करेंगी, इस तरह से रखी जाएंगी. देन मिक्स some straw and some moss in this way, said Magpie. Magpie ने कहा, फिर इसमें कुछ घास फूस, कुछ ऐसा छोटे से green plants without flowers जो होते हैं, those are called moss, इस तरह से mix किए जाएंगे. Oh yes, certainly, अरे हाँ पक्का, said Jackdaw. Jackdaw ने ऐसा बोला. I guessed that without being taught, ऐसा मैंने अंदाज़ा लगा लिया था आपके बिना बताए. So we will read rest of the chapter tomorrow. Thank you so much.